बड़ी तो हो गई है यार, लॉन्डिया की बात कर रहा हूँ। अब देखो 26 जनवरी को एक तो हमारे देश को संविधान लागू हुए और दूसरी तरफ ही 26 जनवरी को नेहा सिंह को प्रोडक्शन हुआ। एक तरफ देश की धरोहर, एक तरफ देश का पतन। अब इसी 26 जनवरी के मौके पे कोई झंडा फहरा रहा है, कोई देशभक्ति के गीत गा रहा है और कोई नेहा सिंह को बर्थडे विश कर रहा है, वो भी अपने अंदाज में। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आई हाय आई लव यू। तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तुम ही ना मेरी जिंदगी खराब की है। हैप्पी बर्थडे लौंडे को 100% पता है कि नेहा सिंह के चक्कर में जवानी बर्बाद हो रही है, लेकिन फिर भी हैप्पी बर्थडे तो करेंगे क्योंकि ठरक नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। हैप्पी बर्थडे बिगेस्ट फैन ऑफ ईयर, तो जब तेरे मम्मी की कसम है, सही से बता, एक चीज बता दे, तू काहे का फैन है यार को, हैं एक चीज बता दे बस, कच्चा फैन है। हैप्पी बर्थडे क्वीन, ऐसे क्वीन को किसी ने गधी घोड़ी बनते देखा है कभी? नहीं। हैप्पी बर्थडे रानी, अरे ये तेरी जवानी की कहानी खत्म कर देगी रानी। ये खेल गया वेंचर खेल, ओनली फ्रेंड करके बर्थडे विश कर गया है। ऐसे कहते सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हैप्पी बर्थडे ड्रीम गर्ल, अबे तेरी जिंदगी के ड्रीम खत्म करके तेरी जवानी का ड्रम बजा देगी ये। हैप्पी बर्थडे ऑल टाइम फेवरेट, ये तो बहन का टका सूख के कांटा हो गया होगा कतई, क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट है इसकी। आज का युवा देश के प्रति कम ध्यान दे रहा है और ये हॉटनेस के प्रति ज्यादा ध्यान दे रहा है ना, क्योंकि देशभक्ति क्या काम की है, जवानी भक्ति काम आएगी। पल्लू के नीचे छुपा के रखा, पल्लू के नीचे छिपा के रखा, अबे पल्लू के नीचे बचाई क्या, पल्लू का लल्लू तुम बहुत पहले ही दिखा चुकी हो। रखा है वो जादू को हंगामा हो, नहीं छुपाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें हंगामा चाहिए अभी के अभी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये दिल तेरे लिए मचलता है। जेल हाउस फिट भैया, ऐसा कारागृह मैंने पहली बार देखो है, हर कोई जुर्म करके इस जेल में जाना चाहेगा है और सजा उम्र कैद की चाहिए सबको। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है, ऐसे कारागृहों पर रोक लगाएं वरना देश का आधा युवा कैदी बन जाए। अब तुमको मैं लाइव ठरक दिखाने वाला हूँ जनता की, देखो। शाहरुख खान बन रहा भेंचो, अरे ये सिमरन नहीं है, ये अमरेश पुरी के वो कबूतर है साले, जो कोई भी दाना डालने पर तेरे हाथ नहीं आने के। ओ दर्जी सीधे रे चोलिया, हमार नजरिया बंद करके। अरे भेंचो नजरिया बंद करके कौन सा दर्जी चोली से ले भैया है, अरे नजरिया बंद करके तो चोली फाड़ देगा दर्जी। हाँ सीधा लो इसको, उल्टा लेने की जरूरत नहीं है भाई, आंख बंद करके अगर चोली से लेगा ना बाप गलत हो गया तो फिर अब ये तुम्हारी गलती है, तुम मेरी बात को अभी भी उल्टा ले रहे हो। मैं एकदम सीधो सीधो बोल रहा हूँ, मैं चोली की ही बात कर रहा हूँ और मैं दर्जी की ही बात कर रहा हूँ, सच में मैं पहली बार ना सीधा सीधा बोल रहा हूँ, फिर भी उल्टा समझ रहे हैं है ना। आराम ही हो गए साल। हिल जाते मेरे नाल जब मैं शेक कर, बात तो सही है, हिलता जाता है क्यों मतलब नाचते हैं जब ये शेक करती है। इतने का गौर से देख रहे हैं, एक छोटी बच्ची अपना होमवर्क कर रही है, करना तो होमवर्क तुम भी करो अपना होमवर्क। तुम्हारी ईमानदारी से बताना कि किसी भी लौंडे का ध्यान
वो जो चूल्हे पर रखे बर्तन की तरफ था क्या है? उसमें खिचड़ी जो पक रही थी उस पर ध्यान था? नहीं, जो रायता फैला हुआ था ना बगल में उस पर ध्यान था। अब सबको अलग अलग नजरिया है ना, किसी को लगा होगा कुत्ता मजे ले गया, पर कुत्ता यहाँ पे एक नंबर का समझदार इंसान है। इंसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंसान तो रोक नहीं रहे, कम से कम वो तो रोक रहा है इसको कि मैडम हगने की चीज को हगने के काम में लो। छी छी छी, हम लोग तो बहन जो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि वो तो रोक तो रहा, हम तो मजे ले लेके वीडियो देख रहे हैं। तो क्या मुस्कुरा रहा, तू भी देख रहा है वीडियो? चुप हो जा सातवीं फेल। उम्र मत देखिए साहब। तो टांग देख, तेरी टांग। औकात पूरा सिस्टम हिलाने की रखते हैं। औकात तो सही में सिस्टम हिलाने की आंटी की, बाकी हमारे पास तो सिस्टम है नहीं, तो हमें ज्यादा मालूम नहीं है, सिस्टम वाले जाने और ये जाने। बाकी आंटी बहुत गंदी लग रही सही में। अरे दोस्तों, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बलम्बा को आया है अस्थमा का अटैक, इसलिए बलम्बा पंप मार रहा है, समझ में आया वो? बाकी बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव सोचने में लगोगे ना तो बहनचो इतना घुस जाओगे इस मैटर में, निकल नहीं पाओगे, इसलिए बी पॉजिटिव है ना, बलम्बा का अस्थमा है बस। Are you comedy me? जा वीडियो में मैं बहुत कछु बोल सकूं, लेकिन पॉइंट की जो बात है वो मुझे एक ही दिखी। जा लोंडिया ध्यान से देखो, अब स्ले पॉइंट की इस लड़की को देखो, है सेम लग रही है ना, बस ऐसा लग रहा है कि जा छोरी में कुकर में रख के दो सीटी लगा दी है तब ये उबल के आई है। जाको बलम तो भैया ही एक नंबर का बेशरम है यो है, चलो बाने जो भी करो मिट्टी पाओ वहां पे, लेकिन बात से भी ज्यादा दो नंबर की बेशरम ये है। क्यों? क्योंकि पूरे पब्लिक में बता रही है कि बलम ने जाके ने कहा करो है, और जो ये फटो पैंट पहन रहे हो ना, इतना फटो हो, अरे थोड़ा ढंग का पैंट पहन ले, चूहा बहुत हो रहे, घुस घुसा जाओ कुतर दे वो। अरे कैसा लगा वीडियो? आज तो मजा आ गया होंगे, कहता ही पुराना वाला वीडियो देखने को मिला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, नए टपके हो तो चैनल करो सब्सक्राइब, घंटा घंटा दबा दिया करो भैया, बा में कछु पैसे ना लगे तुम्हारे, और शेयर कर दिया करो। उसका रीजन बताऊं? क्योंकि पैसे में कमाना रहो, सही बता रहा हूं ईमानदारी से, लेकिन शेयर करने से रीच आवेगी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, मैं बढ़िया बढ़िया टॉपिक लाऊंगा। अगर रीच नहीं आएगी और पैसे तो आ ही नहीं रहे, दोनों चीज नहीं आएंगी, तो मैं बाबड़े हो जाऊंगा और मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, और तुम्हारे मनोरंजन को साधन हो जाओ बंद। तो इसलिए शेयर कर दियो। लास्ट में दो लाइन जो हमेशा से बोलूं, क्या ये जो जिंदगी है ना, ये तुम्हारी और तुम्हारे बाप की है, तो किसी और के बाप की सुनने की जरूरत नहीं है, इसको अपने हिसाब से जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। नमस्कार, वंदे मातरम, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।